नमस्कार, मैं हेमा यादव और आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुरी के कस्बा नबीगंज से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर रिश्तों को कलंकित करते हुए चाचा ने अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया, जहां बच्ची की उम्र 3 वर्ष बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल भेजा और चाचा गीतम सिंह को हिरासत में लेकर जेल भेजा। देखिए हमारे संवाददाता जहीर खान की। दरअसल पूरा मामला बेवर के नबीगंज क्षेत्र ग्राम रसूलपुर का है, जहां चाचा गीतम सिंह ने अपनी सगी भतीजी को बनाया हवस का शिकार। बाहर खेल रही बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर गीतम खेतों की घनी झाड़ियों में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बेहोश बच्ची को देखकर गीतम घबरा गया। वहीं घटनास्थल पर गीतम को गाँव वालों ने मार मार के बुरा हाल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस थाना अध्यक्ष पौप सिंह जी के द्वारा बच्ची को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं चाचा गीतम को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। 3 वर्ष की बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल से सैफई रेफर कर दिया गया। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लॉन्ग श्री। लॉन्ग श्री जी, आपके बोलते में लड़की क्या लगती है? मेरी नातिन है। नातिन है, क्या नाम था उसका? उसका नाम वैसे दीपिका है। कितने में पढ़ती है वो? वो मतलब आंगनबाड़ी में कच्चे 1 में पढ़ती है। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी क्या क्या समस्या हुई उसको? उस जो गया है गीतम, तो उसको बोला कि मैं चलो तुम्हारे घर ले चला, तो वो आई झोला लेके। जी जी। और झोला जैसे कह दिया कि वहीं रख लो, तो झोला उसने वहीं रख दिया। जी जी। फिर वो उसको कन्या ले लिया। जी। और कन्या लेके झाड़ी में कहीं ले गया। जी जी। और उसको वहाँ उसकी बेइज्जती करके उसको मार के वो तो छोड़ गया, मतलब अपनी जान में मारते ही छोड़ गया। बलात्कार किया उसने। हाँ हाँ हाँ। बच्ची कितने साल की थी? 3 साल की बच्ची। 3 साल की बच्ची है। हाँ। क्या पोजीशन हो गई उसकी? उसका सारा शरीर फाड़ दिया। जी। उसका मुंह, वो चिल्लानी है तो इसमें मुंह में मारा। जी। ये वो सारे फोड़ दिए हैं, खून आता है। अब कहाँ है आपकी बच्ची? आपकी मेरी बच्ची है अब सेफई। आप जिला अस्पताल जो ले गई थी मैनपुरी, तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे? उसने मना कर दिया कि मेरे कब्जे से बाहर है। रेफर कर दिया। हाँ। कहाँ के लिए? सेफई के लिए। सेफई के लिए। अभी इस टाइम सेफई में। हाँ, सेफई में। जी, क्या पोजीशन है उसकी? अब पोजीशन अब भाई मैंने बता रहे कैसी है कि है या मतलब कैसी हालत में है कैसी नहीं। यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा था? यहाँ मना कर दिया भाई, जब उसके पास में नहीं है तो ये कहीं उधर ले जाओ। जी। उसकी माँ कहाँ है? उसकी माँ पापा संग है, मेरी दौरानी है ना वो, उसकी ताई, तो वो भी संग है। लड़का अबू का गीतम कहाँ है? गीतम तो पुलिस ले गई। अच्छा, आपने गीतम के घर पर शिकायत की? गीतम के घर पर क्या शिकायत करे, वो तो उसके भाई और उसकी माँ तो पता नहीं किधर गया, सब फरार है। और क्या, कोई घर पे नहीं है? घर पे होंगे तो होंगे ना, मेरी जान में तो मैं तो उसके घर पे नहीं कल से गई। आपकी बच्ची कितने बजे से यहाँ से गई थी घर से? जे 9 बजे के टाइम से गई थी। 9 बजे से? हाँ, जैसे बच्चा जाते हैं। क्या रहते हैं आप? रसूलपुर। आपकी क्या लगती थी रिश्ते में? नातिन। नातिन, क्या समस्या हुई उसको? सर मैं मौके पर थे नहीं, मैं बिटिया के दवाई लेने गई थी। जी जी। जब मेरे को पता चला मैं शाम को 6 बजे आएगा। जी जी। आप क्या, आपको क्या फिर जानकारी क्या मिली? जानकारी यही मिली कि मतलब ऐसे ऐसे स्कूल बच्ची गई थी, वहाँ पे ये गीतम गया और जाकर के इसने पोटा फुसला करके ले गया। जी। और जो कुछ बात किया मौके पर थे नहीं सर, क्या बता सकते। बच्ची की ज्यादा गंभीर हालत है? बहुत गंभीर हालत। क्या हुआ, क्या उसके साथ? बलात्कार। बलात्कार किसने किया है? गीतम ने। गीतम कहाँ का है? गीतम रसूलपुर का रहने वाला है। लड़की का रिश्ते में क्या लगता है? चाचा। चाचा लगता है? लड़की का चाचा लगता है, परिवार का ही है। परिवार का। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 25-26 साल। 26 साल। शादी हुई नहीं? शादी नहीं हुई। कल थाना बेवर अंतर्गत एक ग्राम में एक माइनर बच्ची के साथ एक बलात्कार की सूचना आई। आरोपी उसका परिवारीजन है, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसमें हम उनकी कार्रवाई करा रहे हैं और उसको जो भी विवेचना में जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं पुलिस के स्तर से जो की जानी चाहिए। बच्ची कितने साल की? बच्ची नाबालिग है, बच्ची बहुत छोटी उम्र की है। बहुत उसको बहुत दुखद घटना कही जाएगी।
और इसमें जो इन्वॉल्व व्यक्ति है वो अपने ही परिवार का है, बिल्कुल पड़ोस का रहने वाला बालिग बच्चा इसमें अभियुक्त है।